देवी, ये सुचिंद्रम शक्तिपीठ की महिमा है। यहाँ माता का उधर दान गिरा था। यहाँ माता अपने सबसे पवित्र कन्या कुमारी रूप में वास करती है। बात उस समय की है देवी, जब इस शक्तिपीठ पर केवल कुमारी कन्याओं को पूजा करने का अधिकार था। कन्याओं, अब यहाँ पर मैं आराधना करूँगा। यहाँ पर केवल कुमारी कन्याओं को ही पूजा करने का अधिकार है। इससे पहले कि मेरा क्रोध इन पर वज्र बनकर गिरे, हटाओ इन कन्याओं को यहाँ से। बाणासुर, वापस लौट जाओ, अन्यथा तुम भी अपने सैनिकों की तरह अंत को प्राप्त हो जाओगे। मेरा अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त ना कर लूं। और ऐसा करने से तुम मुझे रोक नहीं सकते भैरव। तुम मेरी इच्छा शक्ति के सामने हार जाओगे। बाणासुर, तुमने तपस्या के साथ एक अपराध भी किया है। कैसा अपराध देवी? मेरे शक्ति पीठ में पुरुषों का आना वर्जित है, क्योंकि यहाँ मैं कुमारी रूप में वास करती हूँ। किंतु फिर भी तुमने यहाँ आकर मेरी तपस्या की, इसी कारण तुम तपस्या के फल के साथ साथ दंड के भी अधिकारी हो। आपका हर आदेश मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस संसार में किसी भी अवघात, जरा, राज्य इत्यादि किसी भी कारण या चर अचर किसी भी जीव द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है। मैं धन्य हुआ देवी। तुम्हारी मृत्यु का कारण केवल एक कुंवारी कन्या बनेगी। देवी, पार्वती। क्या हुआ प्रभु? आप ज्ञान ग्रहण करने के समय नित्रा में चले गए। आपका चित अत्यधिक चंचल हो गया देवी, और चंचल चित ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। क्षमा कीजिएगा प्रभु। आपने तंत्र साधना का अपमान किया है, और तंत्र साधना के ज्ञाता का भी अपमान किया है। अब आपको इसका दंड भोगना ही होगा। किसने मेरी शक्ति को चुनौती देने का साहस किया है? मैंने दी है चुनौती। तुम कौन हो? तुम? मैं एक रक्षक हूं, और संकट उत्पन्न करने वालों के समक्ष मैं एक अवरोध के भांति खड़ा रहता हूँ। परंतु मैंने किसी के समक्ष कोई समस्या नहीं खड़ी करी है। किसी कन्या के इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना अनुचित है, अपराध है।